तबाही वाला लोकेशन भाई, तबाही वाला। जंगलों के नज़ारे में हम मस्त 5 लोग घूमे। आप बेहतरीन से नज़ारे हैं भाई, पूरा पानी भरा वाला वाला मस्त मजा आ रहा भाई। हाय गाइस, एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल प्लीज यूज हेलमेट में मैं विजय मदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं आज आ चुका हूँ बालोद डिस्ट्रिक्ट लोकेशन में और यहाँ पे एक पाटेश्वर धाम करके मंदिर है, वहाँ के आपको दर्शन कराने वाला हूँ। चलिए आज आपको लेके चलते हैं पाटेश्वर धाम और उनके दर्शन कराते हैं और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू करने आज हम लोग जा रहे हैं आसपास लोकेशन घूमने और वहाँ पे हम लोग खाना वाना बनाएंगे और थोड़ा सा टेंट वेंट लगाएंगे। और फर्स्ट टाइम मैं अपना टेंट यूज करने वाला हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए हम लोग कहीं बाहर नहीं गए। तो अभी इस बार ग्रुप में हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा कैंपिंग टाइम का इंजॉय करने हैं। और हमारे भिलाई से ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोमीटर की रेंज में है। अभी हम फिलहाल हैं रिसाली के लोकेशन में, आप देख सकते हैं कैसा दिख रहा है मॉर्निंग के टाइम में। और 10 बज चुके, सुबह निकलना था 8 बजे और धीरे धीरे करके लेट होता ही जाता है, कोई 10 मिनट, कोई 15 मिनट, कोई आधा घंटा, इस चक्कर में पूरा लेट हो गया। हम निकल चुके हैं चनखुरी से दिल्ली राजा वाली रोड में, तो यहाँ से हमने मोड़ लिया है लेफ्ट की ओर। रोड आप देख सकते हैं भाई, क्या गंदी रोड है। हो गए भाई बहुत दिन इसको रोड को बनते हुए, पर अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुई। सिंगल रोड थी और ये 4 लाइन रोड बन रही है क्योंकि अभी तक इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ। और ये देखो मैडम लोग, 3-3 लोग एक साथ बिना हेलमेट के जाती हुई। ये रोड बहुत सारे लोकेशन से जोड़ती है, दिल्ली राजा जोड़ती है, बालोद जोड़ती है और गुंडा रही भी जोड़ती है। और बस्तर वस्तर भी जाने के लिए, जगदलपुर भी जाने के लिए यही रास्ता है, सिया देवी भी जाने के लिए यही रास्ता है। ट्रक वाले भाई साहब फंस गए, ये देखो फंस गए। श्रीनाथ नदी क्या पानी भरा हुआ देख सकते हैं, लबालब पूरा भरा हुआ, पूरा लबालब, क्या बेहतरीन टाइप से। ये हमारे भिलाई दुर्ग की फेमस नदी है श्रीनाथ नदी। कैंपिंग के लिए लोकेशन है मस्त, ये नाइट में कैंपिंग कर सकते हैं इस लोकेशन में। भाई सभी हम लोग निकले थे जाए से और ये मानसून टेंट सब कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पे हम लोग रुके थे, तो यहाँ पे नाश्ता पानी भी करने वाले हैं। और यार देख सकते हो ये भाई लोग को देख रहे हो क्या क्या साथ लगे हुए, राहुल भी लगा हुआ है, संगवारी का है, संगवारी का है। लोग यहाँ पे कुछ नाश्ता उश्ता करने वाले हैं, यहाँ पे ये देख सकते हो। अब देखते हैं क्या खाते हैं, यहाँ पे कचौड़ी है, समोसा या यहाँ पे पोहा भी है। ये भाई साहब इतना निकला हुआ है, इसको कम करने के लिए ना ये हल्का चीज खा रहे हैं। और यहाँ पे विकास भाई समोसा खा रहे हैं, ये भी समोसा खा रहे हैं, गरम गरम समोसा ये दे सकते हैं। तो हम भी आज टेस्ट करने वाले समोसा भाई, समोसा है ना, तो बहुत चना के बोल रहे थे फिर आप समोसा कर रहे हैं। इनको देखो ये तो हर एक पोज में दिखा रहे कि हम ऐसे खा रहे हैं, ऐसे खा रहे हैं, इधर देख सकते हो ये। और हम भी पोहा खा रहे हैं। गुंडा दही रान नान गाँव राइट में जाना पड़ेगा, बहुत खूबसूरत लग रहा है गांव एरिया। बहुत दिनों बाद हम लोग गांव वाले लोकेशन में घूमे भाई, मस्त मजा आ रहा है। देख सकते हैं आप कितना प्यारा लग रहा है, और खेतों देख सकते हैं आप, गाँव के बुजुर्ग लोग भाई लोग साइकिल से जा रहे हैं। ये देख सकते हैं भाई अर्जुंदा, फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया हूँ अर्जुंदा में, ये देखिए ऐसा कुछ यहाँ का ये लोकेशन देखने को मिल रहा है अर्जुंदा का। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, तो यहाँ से हमको मुड़ जाना है राइट की ओर। छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। डोंगागढ़ 47, और ये देख सकते हैं क्या प्यारा सा पार्क है जो कि बनाया गया था एक टाइम में, तो फिलहाल पूरा ख़त्म हो चुका है। ये देखिए कुछ कलाकृतियाँ की गई हैं और गांव की गैया भैंसे घूमती हुई। यहाँ से हमको मुड़ जाना है लेफ्ट की ओर, और अभी कितना लेफ्ट राइट या फ्लाइट करना है पता नहीं क्योंकि हमारे संतु भाई साहब हमको लेके चल रहे हैं। चलो तो गाइस हम लोग यहाँ पे रुकने वाले हैं लोकेशन में, ये संबलपुर, और संबलपुर से हम लोग कहीं आगे जा रहे हैं। यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी में कोई धाम है, उस धाम का नाम मैं भूल चुका हूँ। उसके बाद हम लोग वापस जाएंगे यहाँ से खरखरा डैम। मौसम तो ताबड़तोड़ है भाई, धूप छाँव रहा, बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को ऐसे लोकेशन में घूमने में, बहुत मज़ा आ रहा है। और अभी हम सिटी के अंदर होते हुए जा रहे हैं पांडेश्वर धाम, और यहाँ का माहौल देख सकते हैं इस लोकेशन का। ये देखिए क्या बेहतरीन से नजारे हैं भाई, पूरा पानी भरा वाला वाला, और पूरा पहाड़ी लोकेशन है ये देखिए।
मस्त मजा रहा भाई। भाई साहब, भाई साहब, क्या बोले नजारे, ये देखिए बहुत दिनों बाद पहाड़ी लोकेशन में और हरे भरे पूरे पेड़ पौधे। बेरिया से जस्ट थोड़ा सा 50 मीटर की दूरी में आएंगे तो यहाँ पे आपको गेट दिख जाएगा। चलिए मैं आपको गेट दिखा दूँ, और गेट जमाड़ी पाटेश्वर धाम प्रवेश द्वार, तो लोकेशन भी दिख जाएगा, यात्री प्रतीक्षालय लिखा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ गोमती दुकानें वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगी। श्री जमाड़ी पाटेश्वर धाम, और देख सकते हैं कितना बड़ा सा ये गेट है बना हुआ है। तो गाइस ये है रूट जाने का, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ पाटेश्वर धाम, जो कि आप देख सकते हैं रोड ऐसी है कुछ, यहाँ की जाने की सिंगल रोड है और पूरा मोरम वाली रोड है, थोड़ा थोड़ा आराम से चलना पड़ेगा, नहीं गाड़ी स्लिप खाने का डर है यहाँ पे। और तबाही वाला लोकेशन भाई, तबाही वाला, भाई मस्त मजा आ रहा है। और इस जंगलों के नज़ारे में हम मस्त 5 लोग घूम रहे हैं, 2 आगे 2 पीछे, बीच में मैं। ये है हमारे सामने पाटेश्वर धाम, बड़ा सा पूरा पहाड़ों में जंगलों में है बसा हुआ ये दरबार पाटेश्वर धाम का, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी गाड़ी और पार्किंग करते हैं, उसके बाद मस्त अंदर चलते हैं भाई। ये देखिए ये है पाटेश्वर धाम यहाँ का। गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं पाटेश्वर धाम, बहुत सुंदर लग रहा है लोकेशन, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लोकेशन है। आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। चारों तरफ पूरे पेड़ पौधे हैं और पूरा पहाड़ी लोकेशन है, और जैसे ये हमारे पीछे दिख रहा होगा आपको दरबार, जो कि शंकर भगवान जी का मंदिर है। अभी इसका पूरा निर्माण चल रहा है, इसका पूरा काम चल रहा है, तो चलिए आपको दिखाते हैं अच्छे से पाटेश्वर धाम फ्रंट गेट, और यहीं से चलते हैं हम दरबार में शंकर भगवान जी के पाटेश्वर धाम में। और ये देख सकते हैं बहुत बड़ा सा ये लोकेशन में है, ये श्री सीता रसोई निःशुल्क भोजनालय यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे हम अपना सामान वामान रख देते हैं, ये यहाँ की पूजा सामग्री की शॉप है, दुकानें हैं, यहाँ पे आते हैं तो पूजा सामग्री भगवान जी के लिए नारियल और चढ़ाने के लिए सब ले सकते हैं। यहाँ पे ये दुकान है, एक प्रसाद दुकान है पूरा यहाँ पे, और इसका जो स्थापना है 1975 में किया गया था पाटेश्वर धाम का। तो चलिए और आगे चलेंगे आपको। हम लोग चना मुर्गा हो गए, तो आप क्या हो? मटर फल्ली हो या और कुछ हो? और राहुल भाई के दोनों पीछे खड़े हैं, ब्लॉग शूट कर रहे हैं, और हमारे चलिए भाई, हाँ चलिए चलते हैं, मस्त मौसम है, हाँ और हम लोग पाटेश्वर धाम घूमने आए हैं। और मेरे को यहाँ के बारे में नॉलेज नहीं था, तो हमारे ये संतु भाई प्लस ये विकास भाई हमको लेके आए हैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम, और ये सेकेंड टाइम है इनका यहाँ पे। श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम कोड़े कसा, ओ भाई ये तो सुनना है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो चलिए आपको और दिखाते हैं, अंदर चलते हैं, दर्शन कराते हैं मेन दरबार यहाँ से जाने का। और यहाँ पे जो पूरे पत्थर का यूज किया जा रहा है, बताया जा रहा है राजस्थान से पूरे पत्थर आए हैं, और ये सीढ़ियाँ उड़िया दिख रही, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या सुंदर से पूरी ये डिजाइनिंग विजाइनिंग किया गया है, ये देख सकते हैं आप। और ये जितने भी पत्थर यूज किए गए हैं पूरे राजस्थान से आए हुए हैं, और ऐसा कुछ प्यासा दिख रहा है, और कितना सुंदर लग रहा है भाई ये बनावट यहाँ पे, अंदर देख सकते हैं चित्रकला किया गया है। और आपको दर्शन कराते हैं, यहाँ पे कुछ श्रद्धालु लोग दूर दूर से आए हुए हैं दर्शन करने के लिए, ये देखिए। और बहुत ठंडा लग रहा है लोकेशन, बहुत प्यारा लग रहा है। तो अंदर आओ चलते हैं, आपको अंदर आओ दिखाते हैं, यहाँ से जाने का रास्ता है, चलो ये देख सकते हैं। और ये देखिए कुछ ऐसे बने हुए प्यासे सुंदर से, ये है पाटेश्वर धाम, और मंदिर के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, ये देख सकते हैं ऐसा कुछ पानी भरा हुआ है, और ये कुछ चक्र टाइप का फूल टाइप का बना हुआ है यहाँ पे, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और ऊपर तो देखिए भाई साहब क्या बेहतरीन सी कलाकारी की गई है, कितना प्यारा लग रहा है, ये आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, ये देखिए। और चित्रकला तो बहुत बेहतरीन सी की गई है, पाटेश्वर धाम जी के दर्शन आपको करा देते हैं, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे विराजित हैं हमारे शंकर भगवान जी, और देख सकते हैं कितने प्यारे लगे, तो आपको जूम करके
दर्शन कराते हैं। ये देखिए शिवलिंग महाराज जी के कितने प्यारे लगे, कितने सुंदर तरीके से इनको सजाया गया है, ये देख सकते हैं, और कितना प्यारा लग रहा है। और मंदिर के अंदर बहुत सारे देवी देवताओं को स्थापित किया गया है, गणेश जी, दुर्गा माता, बलि जी का ये देख सकते हैं फोटो लगा हुआ है यहाँ पे, तो इतना प्यारा लग रहा है ये पूरा लोकेशन, ये देख सकते हैं आप, है कि नहीं। तो हमारे वीडियो के माध्यम से घर बैठे शंकर भगवान जी के दर्शन किए, जो भी आपकी मनोकामना मांग सकते हैं। और अंदर भी बहुत प्यारा डिजाइनिंग वजाइनिंग किया गया है, तो आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हैं भाई कितना प्यारा लग रहा है। आपको पाटेश्वर और शंकर भगवान जी के तो दर्शन वर्शन करा दिए हैं, अब चलिए चलते हैं इस साइड से, आपको एक बार परिक्रमा करवा देते हैं मंदिर के पीछे साइड का। और यहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं के प्रतिमा को स्थापित किया गया है, ऐसा इस साइड से ये देखिए, और इधर से हम चलते जा रहे हैं। और यहाँ पे श्री महर्षि वशिष्ठ जी की मूर्ति स्थापित की गई है, और उस साइड थी श्री शंकराचार्य जी का प्रतिमा स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे जितने भी देवी देवताएं हैं हमारे हिंदू में, उन सभी देवी देवताओं के यहाँ पे प्रतिमा स्थापित की है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे महावीर जी का भी यहाँ पे प्रतिमा स्थापित था, और यहाँ पे गौतम बुद्ध जी का भी प्रतिमा स्थापित किया गया है, ये देख सकते हैं आप, ऐसा चमगादड़ है, बच्चा है शायद, ये देखिए, ये देख सकते हैं चमगादड़, ओ भाई लगता है कोई पुराने ज़माने का पूरा मंदिर है, वैसे पूरा स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ, जो कि ये 1975 में इसका स्थापना किया गया है, ये देख सकते हैं पूरे, वैसे जितने भी पत्थर यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं राजस्थान से पूरे पत्थर मंगाए गए यहाँ पे। तो गाइस हमने आपको यहाँ मंदिर में दर्शन करा दिए और शंकर भगवान के दर्शन करा दिए, वहाँ के जो संचालक हैं बाल योगेश्वर संचालक हैं यहाँ के मेन, वहाँ पे वो देखो फोटो तो लगी हुई है, और ऐसा ही पूरा लोकेशन है यहाँ का, आप देख सकते हैं पाटेश्वर धाम का। अब इस साइड से और चलते हैं, बहुत सारे मंदिर हैं उनके भी आपको दर्शन कराते हैं, मैं अभी पंचमुखी बजरंग बली के दर्शन कराते हैं। ओ भाई साहब, ऊपर भी देख सकते हैं बहुत सारे खम्भे उम्बे बने हुए, स्तंभ बने हुए, जो कि अभी ये मंदिर पूरी कार्य प्रगति पे है। और यहाँ से जाने का रास्ता है, ये मेन यहाँ से दरबार है इस लोकेशन से जाने का। तो चलिए आपको पंचमुखी बजरंग बली के दर्शन कराते हैं। ये है पंचमुखी बजरंग बली जी जो कि यहाँ पर विराजित हैं। तो घर बैठे हमारे वीडियो के माध्यम से आप बजरंग बली जी के दर्शन कीजिए, ये देख सकते हैं कितने प्यारे लगे हैं पंचमुखी बजरंग बली। ऊपर आप देख सकते हैं कुछ डिजाइनिंग डिजाइनिंग किया गया है, सुंदर सा प्यारा सा। ये रही स्वर्ण गंगा मैया का कुंड, तो हमारे वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं स्वर्ण गंगा मैया का कुंड, ये देख सकते हैं आप। तो गाइस आप लोग को यहाँ का ब्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो है कल पूरा लोकेशन बाकी है वो भी आपको लोकेशन घुमा देते हैं, तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये पूरा लोकेशन है। और तो गाइस इस साइड देख सकते हैं आप कितना प्यारा ये नज़ारा है यहाँ का, ये देखिए ये भाई लोग सब घूम रहे हैं और फुल इन्जॉय कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो अभी हम पहाड़ी लोकेशन साइड में आ चुके हैं, तो हम सोच रहे हैं यहाँ पर कुछ रील वील शूट करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। तो यहाँ पर किशोर भाई हमारे रील शूट कर रहे हैं, राहुल भाई भी रील शूट कर रहे हैं, और अमन भी रील शूट कर रहा है। और भाई साहब इतना सुकून भरा लोकेशन है, इतना शांत लोकेशन है, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत प्यारा लग रहा है। और हमारे भिलाई दूर से मात्र 80-85 किलोमीटर की दूरी में है ये लोकेशन, बहुत प्यारा लग रहा है। तो चलिए हम आपको ले कर चलते हैं, और भाई साहब लोग यहाँ पर रील शूट कर रहे हैं। कुछ ऐसी सीढ़ियाँ पूरी बनी हुई हैं, गिट्टी की सीढ़ियाँ हैं ये। लोकेशन है और बहुत प्यारा लग रहा है, तो आप लोग को यहाँ का पूरा लोकेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्वर्ण गंगा, स्वर्ण गायत्री, स्वर्ण गीता, तो इनके भी आप दर्शन कीजिए घर बैठे हमारे वीडियो के माध्यम से। गाइस ये हैं
पाटेश्वर बाबा जी की मूर्ति। तो हमारे वीडियो के माध्यम से घर बैठे दर्शन कीजिए पाटेश्वर बाबा जी के। देख सकते हैं घोड़े में बैठे हुए हैं और त्रिशूल लेके पाटेश्वर बाबा जी। यहाँ पे है अखंड धोनी, तो चलिए आपको अखंड धोनी दिखा देते हैं। और इस साइड हैं अपने शंकर भगवान जी, जो कि आप विराजित हैं, देख सकते हैं शिवलिंग यहाँ पे शंकर परिवार जी हैं। और इस साइड भी देखिए राधा कृष्ण भगवान जी विराजित हैं, ये देख सकते हैं आप कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये है अखंड धोनी, तो आप अखंड धोनी के भी दर्शन कर लीजिए। ये देख सकते हैं यह अखंड धोनी, तो ऐसा कुछ ये प्यारा सा यहाँ का मंदिर दिख रहा है पाटेश्वर धाम का। और जी तो हनुमान जी के भी आप दर्शन कीजिए, जय हो बजरंगबली जी की, हमारे वीडियो के माध्यम से घर बैठे। और ऐसा कुछ यहाँ का पूरा प्यारा सा ये लोकेशन है जो देखने को मिल रहा है। और राम जानकी भगवान जी, तो राम जानकी भगवान जी के भी दर्शन कीजिए। अभी हम लोग आ चुके हैं पाटेश्वर धाम, पूरा दर्शन करके घूम के आ चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं पीछे पूरा अंदर सीता रसोई में, तो आपको चलिए सीता रसोई लेके चलते हैं, भंडारा में लेके चलते हैं, पूरा अंदर से दिखाते हैं सीता रसोई जो कि यहाँ पे फिलहाल के लिए चल रहा है। सीता रसोई चलते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे सीता रसोई चल रहा है। और यहाँ पे कुछ लोग हैं प्रसाद उसाद ले रहे हैं और यही भंडारा चलता है सीता रसोई। यहाँ पे देख सकते हैं सीता रसोई में क्या क्या चीज़ें, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे है दाल है, कढ़ी है, कढ़ी और चावल है। तो डेली यही व्यंजन रहता है कि अलग अलग रहता है? डेली अलग रहता है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं सीता रसोई भंडारा चल रहा है, आधे कढ़ी और चावल। तो यहाँ पे कुछ लोग आके खा भी रहे हैं और ये पूरा निशुल्क रहता है यहाँ का। ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग बैठ के भंडारा ग्रहण कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये देख सकते हैं ये रसोई है यहाँ की, ये देख सकते हैं। ओ भाई, और यहाँ पे चूल्हा उल्हा है जो कि भाई लोग कुछ बना भी रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। तो गाइस, मैंने आपको पाटेश्वर धाम का पूरा दर्शन करा दिया। तो आज का यहाँ का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।